हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। सॉल्व करेंगे May 23 10 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन 3B। गिव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। यूजिंग पंपिंग लेमा आपको प्रूव करना है डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर इज नॉट रेगुलर। तो सबसे पहले पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट, लेट एल बी अ रेगुलर लैंग्वेज एंड लेट जेड बी अ वर्ड ऑफ एल। इसका लेंथ, इस सिंबल को लेंथ कहते हैं, ओके। इसका लेंथ इज मिनिमम नंबर ऑफ डी एफ स्टेट्स फॉर रिकग्नाइजिंग एल। तो पंपिंग लेमा कहता है आपने ये जो जेड सिलेक्ट किया है ना, उसको आप राइट लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ यू वी डब्ल्यू, वेयर सम कंडीशंस आर गिवन सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म यू वी रेस टू आई डब्ल्यू वुड बिलोंग टू एल। मतलब कि आपका जेड जो है वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा एंड इस पैटर्न के मुताबिक जो स्ट्रिंग मिलेगा वो लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रूव यूजिंग पंपिंग लेमा डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर इज नॉट रेगुलर। स्टेप नंबर वन, अजम्पशन यस एल इज रेगुलर, बिकॉज हम करते हैं ना प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। स्टेप नंबर टू, क्योंकि आपका पैटर्न है डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, मैंने सिलेक्शन किया ए रेस टू एन सी ए रेस टू एन। यू कैन मेक एनी अदर सिलेक्शन ऑल्सो, जैसे यहाँ पर आपने बी रेस टू एन लिया तो यहाँ पर भी बी रेस टू एन, जो भी है इसका रिवर्स होता है ना सर। तो ए रेस टू एन का रिवर्स इज ए रेस टू एन, दो ए का रिवर्स इज दो ए, तीन ए का रिवर्स इज तीन ए, सिंपल। स्टेप नंबर थ्री, एज पर पंपिंग लेमा दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो मैंने जैसे हर बार करते हैं, लेट आई बी इक्वल टू टू, लेंथ ऑफ यू वी स्क्वायर डब्ल्यू इज लेंथ ऑफ यू वी डब्ल्यू प्लस लेंथ ऑफ वी, वी का रेंज वन और एन के बीच में है। लेट अस एड द लेंथ ऑफ यू वी डब्ल्यू ऑन ऑल द साइड्स। लेंथ ऑफ यू वी डब्ल्यू इज लेंथ ऑफ जेड एंड लेंथ ऑफ जेड इज एन प्लस वन। हाँ, ये एन है, ये एन है, दैट इज टू एन प्लस वन। तो लेफ्ट बन जाएगा वन प्लस टू एन प्लस वन, राइट बन जाएगा एन प्लस टू एन प्लस वन। यहाँ से माइनस वन करो, यहाँ पे प्लस वन, क्यों? सो दैट दिस रिलेशन बिकम्स लेस देन एंड दिस ऑल्सो बिकम्स लेस देन। तो यहाँ से माइनस वन किया तो टू एन प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन किया तो थ्री एन प्लस टू। अब आपका पैटर्न है डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, तो इसमें जो भी स्ट्रिंग निकलेगी ना वो सब ऑड पैलिंड्रोम है। जैसे एग्जाम्पल, ए सी ए लेंथ इज थ्री, बी सी बी लेंथ इज थ्री, ए बी तो सी बी ए लेंथ इज फाइव एंड सो ऑन। दिस लैंग्वेज कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग जिसका लेंथ विल बी ऑड बिकॉज इट्स ऑड पैलिंड्रोम। लेकिन हमारे इस इक्वेशन में जैसे मैंने एन को वन किया, दिस बिकम्स थ्री, दिस बिकम्स फाइव, थ्री फाइव के बीच में आता है फोर, एंड इज फोर ऑड? नो, इट्स इवन, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। सो सिंस एल कैन नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ फोर, एल इज नॉट रेगुलर। बाय द वे, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो।